क्या 2026 में कलयुग खत्म होने वाला है? क्या 2026 में एक महाप्रलय आने वाला है? तो इस बात का रहस्य जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिनमें बताया गया है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कलयुग का अंत 2026 तक हो जाएगा। और किसी वीडियो में बताया गया है कि 2026 में भगवान कल्कि का अवतार होगा और वे इस धरती से सभी पापियों का नाश करके फिर से सतयुग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कलयुग अभी अपनी बाल्यावस्था में ही पहुंचा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। दोस्तों, मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस एपिसोड में हम ना तो भविष्य मल्लिका पर चर्चा करेंगे और ना ही किसी की भविष्यवाणियों पर, बल्कि आज मैं शास्त्रों के तथ्यों के आधार पर बताऊंगा कि आखिर 2026 में क्या होने वाला है। क्या सच में 2026 तक दुनिया खत्म होने वाली है? क्या प्रलय का समय निकट आ रहा है? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य का असली सच। 2026 ये एक वर्ष बहुत खास और रहस्यों से भरा होने वाला है और कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसके संकेत हमें अभी से मिलने लगे हैं। इतनी सारी बीमारियां फैल रही है और इतने युद्ध हो रहे हैं। 2019 में आया कोरोना वायरस और फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये सभी एक बड़े परिवर्तन की ओर ही इशारा करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि युग चार प्रकार के होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और जब एक युग की शुरुआत होती है तो उस युग के पूरा होने तक वो युग चार चरणों से होकर गुजरता है और इस समय जो युग चल रहा है वो कलयुग है। इस युग की अवधि 432,000 वर्ष है और अभी तक कलयुग के 5,300 वर्ष ही बीते हैं और 426,700 वर्ष शेष हैं। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि कलयुग का भी प्रथम चरण ही चल रहा है और कलयुग अभी बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर युग चार चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में धर्म की फिर से स्थापना होती है। जैसे चार युगों के अंत में भगवान हरि अपना एक नया अवतार लेकर नए युग की शुरुआत करते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, उसी प्रकार एक युग के चार चरणों में भी धर्म की स्थापना होती रहती है। जब जब प्रत्येक चरण में अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान उस अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना भी करते हैं। ऐसा ही कुछ इस कलयुग के प्रथम चरण में भी हो रहा है। इस समय दुनिया में अधर्म बहुत तेजी से फैल रहा है, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं और अपने पेट को भरने के लिए पशु पक्षियों को मारकर खा रहे हैं। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई भी अपने धर्म को नहीं जान रहा, भगवान को याद करने वाले बहुत ही कम बचे हैं, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और अगर इतना अधर्म कलयुग के प्रथम चरण में हो रहा है तो कलयुग के आने वाले समय में इससे भी अधिक अधर्म फैल जाएगा आगे और कलयुग भयानक रूप लेकर आएगा। किसी से भी भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, न किसी का खान पान पवित्र है, न संग पवित्र है, न दृश्य पवित्र है। ये कलयुग ऐसा समय पैदा करेगा कि कोई राम कृष्ण हरि नाम कहीं भी सुनाई नहीं देगा। इसलिए अभी सुधर जाओ, ये इतनी सारी बीमारियां और युद्ध भगवान का एक संकेत है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, तुम इस पृथ्वी पर एक मेहमान बनकर आए हो, इसलिए प्रकृति को नष्ट करोगे तो प्रकृति तुम्हें कष्ट देगी। दोस्तों, आप देख भी रहे होंगे कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और इस बार तो तापमान 60 डिग्री तक पहुंच चुका था। अगर कलयुग अभी से इतना भयंकर रूप ले रहा है तो आने वाले लगभग 50 वर्षों के भीतर मनुष्य योनि इस पृथ्वी से बिल्कुल नष्ट हो सकती है। 2026 में एक ऐसी भयानक बीमारी आने वाली है जो कोरोना वायरस से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगी और इस बीमारी की कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाएगी। कोरोना वायरस और इतने युद्ध, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर की तरह है, अभी तो और भी भयंकर होने वाला है जिसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। इसलिए अगर आप आने वाली इस भयंकर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, पेड़ पौधों को नष्ट मत करिए। दोस्तों, आप भी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि भगवान हमें एक मौका दे रहे हैं धर्म पर चलकर अपने कर्तव्य को जानने का। दोस्तों, भगवान बहुत दयालु है, हम उनकी संतान हैं और माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान को इतना दुख सहना पड़े। इसलिए कलयुग के इस प्रथम चरण के अंत में भगवान ने इस पृथ्वी पर श्री प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत को भेजा है जो हमें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। आज के समय में जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, यानी भगवत गीता, उसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। इसलिए श्री प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत हमें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि महाराज जी की वजह से ही बहुत लोगों का जीवन बदल गया है और वे लोग धर्म की राह पर चलने लगे हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी धर्म तेजी से फैल रहा है। दूसरे देश के लोग भी सनातन धर्म को जान रहे हैं और इस कोण से जुड़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, आप अपने देश में ही देख सकते हैं इतनी मजबूत सरकार का बनना, जिसकी वजह से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर फिर से बन गया है,
नई युवा पीढ़ी भगवान का नाम जप कर रही है और ये सभी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं कि एक नए युग का आरंभ होने वाला है और 2029 तक धर्म फैल जाएगा और 2029 से ही कलयुग के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले यानी आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर आप डर जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था तो रावण ने भी युद्ध में पूरी कोशिश की थी कि वो जीत जाए। इसी तरह आने वाले 5 सालों में कलयुग भी अधर्म को फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। कलयुग ऐसी ऐसी भयानक बीमारी फैलाएगा कि लोग धर्म को जानकर भी धर्म पर नहीं चल पाएंगे और जो लोग धर्म को जानकर धर्म पर चल पाएंगे आखिर में वही बच पाएंगे। इसलिए अगर आप भी कलयुग के इस भयानक रूप से बचना चाहते हैं तो अपने धर्म को जानिए और भगवान हरि की शरण में जाइए और भगवान का नाम जप कीजिए। दोस्तों, कलयुग का अवतार अभी नहीं होगा और न ही अभी कलयुग का अंत होने वाला है, अभी तो सिर्फ धर्म की स्थापना होने वाली है। इसलिए दोस्तों, भगवान का नाम जप कीजिए और कर्म कीजिए, धर्म पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, तभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कलयुग का इतना भयंकर रूप होने के बाद भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, बस आपको धर्म पर चलना होगा और अधर्म का साथ बिल्कुल छोड़ना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधे राधे।